झारखंड में स्वागत। तो ब्रेक के बाद विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों को धार देने के लिए अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान झारखंड आने वाले हैं और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का भी दौरा प्रस्तावित है और इससे बीजेपी नेता उत्साहित हैं। वहीं विरोधी दलों का कहना है कि नेता कोई भी आ जाए लेकिन होगा वही जो जनता चाहेगी। पार्टी के अगर सर्वोच्च नेताओं में हमारे 1, 2, 3, 4, 5 उसमें अमित शाह जी भी एक कद्दावर मजबूत और आपने ठीक ही कहा राजनीति के चाणक्य, तो उनका आगमन है 20 तारीख को और हमारी बृहद जो कार्य समिति होने जा रही है उस बृहद कार्य समिति को संबोधित करेंगे। और जो यहाँ निकम्मी और सरकार है ये सरकार की पोल पट्टी खोलने का काम होगा। कार्यकर्ता तो उसी दिन से पूरे उमंग के साथ अपने क्षेत्र में, देखिए जमीन रहेगी तब तो मजबूत होगी, जो जमीन थी उसे इन्होंने गंवा दिया। ये दांव जो इन्होंने चला कि हम यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदिवासी का बेटा एक युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रताड़ित कर देंगे, जेल में डाल देंगे और हम मजबूत हो जाएंगे, ये चाल उल्टा पड़ गया उनको। उनकी जो भी जमीन थी बची खुची वो खिसक चुकी है। ठीक है राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, मिस कॉल वाली पार्टी, इनके नेता आएंगे, व्यापम घोटाले के नेता भी आ रहे हैं, शारदा घोटाले के नेता भी आ रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, आना भी चाहिए, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ना है। देखिए जमीन रहेगी तब तो मजबूत होगी। ये लोग लगातार दौरा करते रहते हैं, अमित शाह जी लोकसभा के चुनावों में भी राज्य आए, एक प्रखंड में उन्होंने पद यात्रा भी किया, जनसभाएं भी की, फला फल क्या मिला। राज्य की जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ छल और प्रपंच के बुनियाद पर टिकी हुई है और झारखंड और झारखंडियत झूठ छल प्रपंच को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। इसलिए चाहे शिवराज सिंह चौहान आए, हेमंत बिस्व सरमा आए, अमित शाह जी आए, मोहन भागवत जी रहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।